इस चैनल पर दी गई जानकारी पूर्ण रूप से प्रमाणित है और आयुर्वेद के पाठ्यक्रमों के अनुसार है, अतः आप इन जानकारियों पर निसंदेह भरोसा कर सकते हैं। देवदारू का वृक्ष एक दैवीय वृक्ष माना जाता है कि इस वृक्ष में देवताओं का वास होता है। पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, तब जिन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होता था, वो इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे, जिसके बाद उन्हें भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होते थे। देवदारू का वृक्ष औषधीय गुणों से भरा हुआ है। अगर इस वृक्ष पर शोध किया जाए तो बहुत कमाल के नतीजे सामने आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको देवदारू के बारे में ही बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो को देखकर जानें क्या है देवदारू के गुण, कर्म और प्रयोग, कैसे आप इसका प्रयोग अपने घर पर कर सकते हैं और कैसे आप देवदारू के वृक्ष को पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो की एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है, शायद आपको एडिटिंग की वजह से वीडियो उतनी अच्छी ना लगे, पर फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेरा उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिक अपने आसपास के पेड़ पौधों को पहचानें और उसके गुणों के बारे में जानें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिव इन आयुर्वेदा। इस चैनल में मैं हर रोज़ एक नए पेड़ या पौधे के बारे में बताता हूँ, तो अगर आप पेड़ पौधों को जानने में इच्छुक हैं तो इस चैनल को रोज़ ज़रूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रोज़ पहुंचती रहे। मेरे चैनल नेम को टच करके आप मेरे और भी वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल नेम को टच करके आप वीडियो सेक्शन पे चले जाइए और फिर आप मेरे और भी कई सारे वीडियोस को देख सकते हैं। देवदारू का वृक्ष उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा ये वृक्ष उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग में पाया जाता है। देवदारू का लैटिन नेम है सिड्रस देवदारा और फैमिली पाइनेसी। आचार्य चरक ने इसे स्तन्य शोधन, अनुवासनोपग और कटुक स्कंद के गण में रखा है। देवदारू को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे भद्रदारू, सुरभुरु और हिंदी में देवदार। देवदारू के वृक्ष बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ये लगभग 250 फीट तक ऊंचे पाए जा सकते हैं। वृक्ष बड़ा होने के कारण इसके तने भी बहुत मोटे होते हैं और वृक्ष की शाखाएं नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं। इसके पत्ते सुई जैसे नुकीले होते हैं और एक कमाल की बात, इसके पत्ते लगभग 4 से 5 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। देवदारू के फल 4 से 5 इंच लंबे और 3 से 4 इंच चौड़े होते हैं। जून से सितंबर महीने के बीच में देवदारू के फूल भी देखने को मिलते हैं। इनमें अनेक शल्क होते हैं। अक्टूबर महीने में देवदारू के फल लगते हैं और इन्हें पकने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। इन्हीं फलों में इनके बीज रहते हैं। देवदारू की एक और खास बात है कि ये लगभग 600 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। है ना कमाल की बात। मतलब अगर हम इसका एक पेड़ लगाएं तो हमारी 6 पीढ़ियां इस पेड़ को देख सकेंगे। देवदारू के कुछ केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें सेंटेड ऑयल होता है और सेस्क्विटरपीन। और भी कई सारे केमिकल कंपोनेंट्स होंगे, पर शोध ना होने के वजह से हमें बस 2 ही केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पता चला। देवदारू के गुणों के बारे में बात करें तो इसके गुण हैं लघु और स्निग्ध, रस तिक्त, वीर्य इसका उष्ण है और विपाक कटु। अब देखिए क्या है देवदारू के कर्म। यह कफवात शामक है, शोथर, वेदना स्थापन, दीपन, पाचन, कृमिघ्न, हृदय उत्तेजक, कफ निसारक, हिक्का निग्रह, मूत्र जनन, प्रमेहघ्न और गर्भाशय शोधक, स्तन्य शोधन, लेखन, श्वेत जनन, कुष्ठघ्न और ज्वरघ्न। अब देखिए किस रोग में देवदारू का प्रयोग करते हैं। जैसे कफवात जन्य विकार, संधिवात, आमवात, घृग्रसी, शिरःशूल, आदमान, विबंध, कृमि रोग, हृदय दौर्बल्य, श्लीपद, उपदंश, जीर्णकास, हिक्का, मूत्रकृच्छ, स्तन्य दोष, चर्म रोग और जीर्ण ज्वर में। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताऊंगा जो आप घर पे कर सकते हैं। देवदारू का प्रयोजनांग इसका कांडसार और तेल है। देवदारू की मात्रा 3 से 6 ग्राम और तेल 20 से 40 बूंद लेंगे। देवदारू के कुछ विशिष्ट योग है जो आपको किसी भी आयुर्वेद फार्मेसी पे खरीदने को मिल जाएंगे, जैसे देवदारवादी क्वाथ और देवदारवादी चूर्ण। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, क्योंकि ये आप घर पे कर सकते हैं। संधिवात, आमवात और शिरःशूल जैसी वेदनाओं में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। देवदारू का तेल बहुत ही अच्छा व्रण शोधन और व्रण रोपण का कार्य करता है, अतः व्रणों और छतों में इसे आसानी से लगाया जा सकता है, जिससे घाव जल्दी भरते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। जीर्ण ज्वर में भी देवदारू का
बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स पर जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो सुझाव को ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाके पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन के बीच में दिए गए लिंक पर जाके अभी इसका सब्सक्राइब कर लें और मेरी दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर देखें जिनका लिंक अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।